राधे राधे माई ऑल यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक क्राफ्ट फिर से शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे घर में वेस्ट पड़ी रहती है प्लास्टिक की बोतलें। तो उनका ये क्राफ्ट है जो कि मैं अपने बेटे शिव के साथ इसे आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही अच्छा क्राफ्ट है, आप अपने बच्चों के साथ इसे जरूर बनाइएगा और घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं आप। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस गुलदस्ते को बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे बनाने के लिए हमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सामान हमारे बच्चों के पास होता है और कुछ हमारे घर में वेस्ट पड़ा रहता है। तो चलिए बताती हूँ आपको। सबसे पहले चाहिए हमें बोतल, फिर कटर, कैंची, फेविकॉल और कुछ कॉपी किताबें। तो चलिए जी, ये जो बोतल थी इसे बीच में से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के पास बाद इसे हमें कुछ इस तरीके से कट करना है, जो कि देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से पूरे राउंड में हमें इस तरीके से कट लगा लेना है। तो देखिए जी, ये कट लग चुके हैं और फिर जो दूसरा पार्ट था उसमें भी इसी तरीके से हमें कट लगा लेने हैं। तो देखिए जी, दोनों पार्टों में हमारे कट लग चुके हैं और अब लेना है हमें ये जो ढक्कन वाला पार्ट है उसे। तो यहाँ देखिए, एक जो स्टिक कटी हुई है वो लेनी है, उसे हमें दबा देना है और एक को छोड़ना है। उसके बाद फिर एक लेनी है, उसको दबा देना है और ऊपर वो एक को छोड़ देना है। वीडियो में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए कुछ इस तरीके से। अब जो ये सेकंड ऊपर बची हुई हैं तो एक को लेना है, फिर हमें एक को छोड़ना है, एक को लेना है, फिर एक को छोड़ना है, एक को लेना है, फिर एक को छोड़ना है और फिर ऊपर जो कुछ बची हुई हैं उन्हें नहीं इस तरीके से दबाना। तो चलिए जी, इसका तो काम पूरा हो चुका है, देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और फिर कुछ इस तरीके से हमें इन्हें मोड़ देना है, देखिए आपको बहुत आसानी से दिख भी रहा होगा। कुछ इस तरीके से हम इन्हें सभी को मोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब लेंगे हम दूसरा पीस, इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ अलग तरीका अप्लाई करना है। देखिए, इसमें पहले एक लिया और एक छोड़ दिया, इस तरीके से पूरे नीचे वाला पार्ट हमें पूरा इस तरीके से क्लियर करना है और फिर जो ऊपर वाले पार्ट हैं उन्हें हमें सभी को थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इस तरीके से नीचे कर देना है, जिससे कि जो नीचे वाले हैं वो नीचे बने रहें और ऊपर वाले हैं वो थोड़े उठे हुए बने रहें। तो देखिए, ये दोनों पार्ट हैं जो हमारे तैयार हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले अभी हमें इसको इस तरीके से दबाना है, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ हमें राउंड सर्कल लेना है, ये 9 सेंटीमीटर का है और इस तरीके से बच्चों के रद्दी में पड़े हुए कुछ पेपर होते हैं कॉपी किताबों में, तो वो हमें लेने हैं और इस तरीके से इस राउंड शेप को हमें कट कर लेना है। देखिए, ये 9 सेंटीमीटर का है, जो कि हमने पहले ही एक कट कर लिया है, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और इस तरीके से हम इन्हें कट कर लेंगे, जिससे कि हमारे बहुत सारे पीस एक साथ ही निकल आएंगे। तो अब फ्लावर बनाने हैं हमें। फ्लावर बनाने के लिए हमने इन्हें कट किया है और आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और कट किस तरीके से करना है वो आप गौर से देखिएगा। तो जी, फ्लावर किस तरीके से काटना है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब हमें इसका मिडिल पार्ट लेना है और उसे बिल्कुल ही मिडिल में कट कर लेना है और इसे कुछ इस तरीके से हम राउंड राउंड शेप में इस तरीके से कर लेंगे और इसके बिल्कुल इस छोर पर हम फेविकॉल लगा लेंगे और फेविकॉल लगाने के बाद में ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए जी, ये कितने अच्छे से चिपक गया है और अब हम दे देंगे इसे फ्लावर की शेप। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई हुई है। तो अब फ्लावर की इस शेप को देने के बाद में हमें लेना है कलर। कलर से अब हम इसके जो मिडिल पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, इसमें हम कलर करेंगे। तो देखिए कितने सारे फ्लावर हमने कलर कर लिए हैं और अब लेना है हमें ये नीचे वाला पार्ट और इस पर हम देखिए इस तरीके से
फेविकॉल लगाएंगे और इस पे जो फ्लावर हैं वो सारे चिपका देंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने दोनों जो पार्ट थे उन पे फ्लावर चिपका दिए हैं, जो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब लिया है मैंने घर में पड़ा हुआ एक सीडी और एक लिया है वेस्ट बोतल का ढक्कन, जो कि हमारी पानी वाली बोतल होती है, वेस्ट पड़ा हुआ था वो मैंने ले लिया है और इसे सीडी पर चिपका लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से ये चिपक गया है, आप किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से चिपका सकते हैं। और अब इस पार्ट पर भी मैंने ग्लू गन लगा लिया है और इसे इस तरीके से यहाँ सेट कर दिया है। देखिए बीच में, तो ये बीच में चिपक चुका है। अब जो हमने ढक्कन चिपकाया था तो अब उस ढक्कन के ऊपर भी हमें ग्लू गन लगा लेना और इस पार्ट को इस पर चिपका देना है। और देखिए हमारा जो गुलदस्ता है वो कितना अच्छा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से घर में वेस्ट पड़ी हुई बोतलों से और वेस्ट पड़े हुए पेपरों से इस गुलदस्ते को बना सकते हैं, जो कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, तो मैं आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए मैंने अपना ये गुलदस्ता फ्रीज पर रख दिया है और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे अच्छे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।